चिड़िया के साथ डाकू आ गए हैं। बहादुर भाला लेकर आगे बढ़े और चिल्लाए कि मेरे मेहमानों को मेरे जीते जी कोई नहीं लूट सकता है। रानी घोड़े से उतरी और अपने चेहरे से पर्दा हटाते हुए बोली, काका आपने क्या सोचा था कि यदि मुझे नहीं बुलाओगे तो क्या मैं नहीं आऊँगी? मैं अपने लोगों के घर बिना बुलाए आ जाती हूँ। रानी को अपने सामने देखकर बहादुर सिंह भावुक हो गए। रानी के इसी प्रेम के कारण उनकी प्रजा उनके लिए जान भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी कंपनी या ऑफिस में काम करने वालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी वो भी हमें दिल से अपना मानेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। हमें उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ उनके प्रोग्रेस के बारे में भी सोचना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने रानी होने के बावजूद एक साधारण सैनिक के घर बिन बुलाए जाने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें अपना मानती थी। इसी अपनेपन की वजह से उनकी सारी सेना उनके लिए जान भी देने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और इतिहास में उनका नाम आज भी अमर है।